हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हैं गाड़ी में और हमारे साथ है पीछे चैम। और आज है चैम की फर्स्ट डॉक्टर विजिट और कार्तिका के भी स्टिचेस वगैरह चेक होने हैं, तो हम जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। अपॉइंटमेंट ले लिया था मैंने सुबह ही, और बीच में एक्चुअली 3-4 दिन बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि हम भी एक्चुअली अडॉप्ट कर रहे हैं पेरेंटहुड की कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। साइट्स और स्टोर पर भी मैं बहुत कम ही जा पा रहा हूँ, और रात भी अपनी मतलब आंखों में गड्ढे पड़ गए एकदम, पूरी नहीं हो पा रही है नींद। तो पेरेंटहुड एंजॉय कर रहे हैं हम। चैम से मिली आप, वैसे तो कवर्ड होगा इसका चेहरा, अभी ऐसे दिखाता हूँ ऐसे। तो सीधा चलते हैं डॉक्टर पे, चेकअप वगैरह कराते हैं, रूटीन चेकअप, और फिर मिलेंगे आपको हम वापसी में। तो दोस्तों, अभी चैम का हुआ है ब्लड टेस्ट, क्योंकि थोड़ी सी इसके बॉडी में येलोश था, तो डॉक्टर ने इसको ब्लड टेस्ट किया। सुई लग गई इसके हाथ में फिर से, और ये अंदर इसके सुई लग रही थी, और बाहर कार्तिक का भी रोने लगी। माँ तो माँ ही होती है ना, लेकिन स्ट्रांग होना पड़ता है। तो इसकी टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी शाम को, होपफुली ज़्यादा नहीं है। जॉन्डिस अगर हैवी, वैसे बच्चों को नॉर्मली हो जाता है, ज़्यादा नहीं है, बट अगर हुआ तो थोड़ा सा ही होगा माइंड, बट देखते हैं रिपोर्ट्स में क्या आता है, तो वो अपडेट करते हैं शाम तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तब तक के लिए सीधा आप चाहते हैं घर, क्योंकि चैम भी परेशान हो रहा है, इसको फीड भी कराने पड़ जाके। चलो, ओ हेलो, इतना परेशान नहीं होता है, ये सब चीज़ें बॉडी में लगी रहती हैं। हेलो, देहरादून परेड ग्राउंड में रावण, रावण बना दिया। ये रावण है, उसका भाई है कोई, अभी पता नहीं, अभी तीन बनते हैं ना, क्योंकि दस मुंह तो दिख नहीं रहे। हाँ, तीन बनते हैं ना, ये पता नहीं कौन से वाले बनाए अभी। ये मेघनाथ या कुंभकर्ण हो गए, हो सकता है कुंभकर्ण को भी खड़ा करते हैं। यस, तीनों तो होते हैं, मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण। सबसे पहले चलते हैं मेघनाथ, फिर कुंभकर्ण। कुंभकर्ण के फूटते ही सारे भीड़ भागने लगती थी। पापा तो हमें यहाँ खड़े होकर दिखाते थे, एक्टिवा में खड़े होकर देखते थे हम दूर से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और ये नेक्स्ट डे है। एक्चुअली कल हम जब घर आए तो चैम भी काफ़ी इरिटेट हो रहा था, तो फिर उसके साथ ही टाइम ऐसे निकल गया कि व्लॉग वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी। तो अभी उसकी रिपोर्ट्स सही आई हैं, मतलब जॉन्डिस हल्का फुल्का, जॉन्डिस बच्चों को रहता ही है, तो हल्का फुल्का ही आया उसको, तो वो धूप देनी है उसको रेगुलर, और मेडिसिन देनी है, और फीड कराते रहना है। मेडिसिन तो विटामिन वगैरह दे रखे हैं, मतलब ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, तो विटामिन ड्रॉप्स हैं, तो वो देनी है उसको। और अभी मैं सुबह सुबह उठा और मैंने उसको सुबह सुबह धूप दिला दी है एकदम, एक्चुअली बैक में और फ्रंट में पूरा उसको, मतलब सिर्फ फेस और नीचे कवर करके पूरी बॉडी में धूप देनी है। तो अभी धूप दिला दी है, अभी उसकी चल रही है मालिश, और कार्तिका की भी मालिश चल रही है। अब मैं पीऊँगा चाय और साथ में खाऊँगा रस। मतलब मज़ा तो आ रहा है पेरेंटहुड में, लेकिन थकान हो रही है बहुत। स्मोकी, स्मोकी परेशान हो रही है, स्मोकी की रूम में एंट्री बंद हो गई है उस वाले रूम में, तो ये परेशान रहती है, लेकिन फिर भी हम इसको एक एक राउंड कटा देते हैं। स्मोकी, देखो इधर, देखो ये, देख ये देखो जी। तो चलिए दोस्तों, चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और सुबह का समय है, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, और मैं और चैम उठ चुके हैं, इसकी मम्मी सो रही है, और मैं दिला रहा हूँ चैम को धूप पापा के रूम में, क्योंकि पापा के रूम में धूप आती है सुबह सुबह, और सुबह सुबह की धूप दिलानी इसको बहुत ज़रूरी है। तो हम ले रहे हैं सनबात, इसी बहाने हम भी धूप सेक लेते हैं अब। चैम, ओ चैम। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ साइट पे, और बहुत दिन हो गए थे, मैंने आपको साइट के भी दर्शन नहीं कराए, तो साइट पे काम चल रहा है फुल पावर, दिखाता हूँ आपको अभी। हाँ जी, चल रहा है बाबू जी काम, शाबाश शाबाश। क्या हाल है, क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, टाइलें चालू हो रही हैं, वेरी गुड। बस दिवाली तक हो जाए काम। हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ, आपको सबको जैसे पता ही है, अब तो काफ़ी बिजी रहता है शेड्यूल। और मैंने अभी लगा रखा है, मालिश करवाई थी ऑयल से, तो मैं धूप सेकने आ गई हूँ इसके बाद, क्योंकि अब धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, बेबी के लिए। बेबी ने ले ली है, सुबह ही ले लेता है वो जल्दी, क्योंकि उसको सुबह वाली धूप इंपॉर्टेंट है। और मैंने अभी लिया, आयुष गया है कुछ अपने कामों से, वो अपने काम निपटा लेता है सुबह, फिर क्योंकि रात भर वो भी नहीं सोता है, तो वो दिन में आके सोता है फिर।
और मेरी भी नींद अभी मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, तो मैं धूप सेकने आई हूँ कि थोड़ा सा सही हो जाएगा। मैं धूप नहीं ले पा रही थी इतने टाइम से ज़्यादा। और अभी मेरी मौसी आ गई है और अदिति आ गई है मेरे पास, तो थोड़ा सा एक रिलैक्स हो गया है। तो मेरे व्लॉग्स इतने आ नहीं पा रहे थे, थोड़े थोड़े मैं इसमें ही ऐड कर दूंगी और अब मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा थोड़ा बना पाएँ, क्योंकि अभी बच्चे के साथ तो आप लोग जानते ही हैं इतना टाइम नहीं लग पाता हमें, पर लेकिन कोशिश हम तब भी कर रहे हैं। एक तो इस तरफ बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है ना, मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही हो नहीं आ रही हो, क्योंकि वैसे ही गला वो हो रखा है, आवाज़ मेरी कम हो रखी है। तो चलिए अब जो होगा वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी जितना जितना मैं कर पा रही हूँ। आयुष बाहर का कर देगा जितना वो भी कर पा रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा बिजी है, उसको अभी घर पे देखना बाहर देखना बहुत ज़्यादा हो रहा है, बेबी के साथ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वैसे भी पहले भी हो रहा था लेकिन अब थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया है। कोई नहीं, मज़ा आ रहा है लेकिन हमें भी अच्छा लग रहा है, नई नई मतलब बिल्कुल चेंज हो गई है लाइफ और मज़ा भी आ रहा है करने में, थोड़ा हमारे लिए न्यू भी है, डर भी जाते, जैसे वो ज़्यादा रोता है तो समझ में नहीं आता ये रो क्यों रहा है, नया नया है, बट लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज घर में आए हैं दीदी बधाई लेने चैम की, तो अभी बस वो बधाई हमने दे दी उन्हें और अब वो बजाएंगे ढोल, तो अब हम यूट्यूब में डालेंगे दीदी हम इसे, आप देखना जरूर। चलो दीदी बजाओ। माता जी ने को याद करे वो लोग निराले होते वाले होते, चलो बुलावा आए Bye.
बच्चे के लिए आज हमारा सब कुछ है।